राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सावन का महीना चल रहा है, उसमें भी अधिक मास का महीना चल रहा है, तो इस महीने में हमें कौन कौन से शुभ पेड़ पौधों को अपने घर में लाना चाहिए और लगाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे पुण्य प्राप्त होगा और उनकी हम जब सेवा करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी माता का, भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जिन घरों में ये पेड़ पौधे होते हैं, आज मैं आपको तीन पौधों के बारे में बात करूंगी। तो जो ये तीन पौधे जिस घर में भी होते हैं, उस घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है और दिन प्रतिदिन वो तरक्की की तरफ बढ़ते जाते हैं। प्रभु का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा ही बना रहता है। तंत्र मंत्र जादू टोने से भी उनके घर की सुरक्षा होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे तुलसी। तुलसी का पौधा तो हर आंगन में ही होना चाहिए। तुलसी का पौधा जिस जगह होता है, उस जगह नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सकारात्मक वातावरण पैदा होता है और माता लक्ष्मी साक्षात ही तुलसी में विराजमान रहती हैं। तुलसी मैया को लक्ष्मी जी का रूप ही माना जाता है और जहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं वहीं पर ठाकुर जी भी रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद रहे और वो सदा आपके घर में रहें, आपके साथ रहें, तो आप अपने घर में तुलसी जी जरूर लगाएं। सुबह और शाम तुलसी मैया की सेवा कीजिएगा और शाम के समय उनके पास एक घी का, यानी कि शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। हाँ, ये बात अलग है कि एकदम से लक्ष्मी फटकर तो नहीं आ जाती हैं, लेकिन यह है कि धीरे धीरे आपके दिन दशा सुधर जाएंगे, धीरे धीरे लक्ष्मी का जो अभाव है, कहीं आपका धन फंसा हुआ है या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो वो आपकी खत्म हो जाएगी और सफलता मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। बृहस्पति के दिन यानी गुरुवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध तुलसी पर चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूसरा पौधा है दोस्तों बेलपत्र। बेलपत्र जो कि भगवान शिव का सबसे प्रिय वृक्ष है, बेलपत्र इसको आप सावन के महीने में जरूर ही अपने घर में लाएं और लगाएं। हाँ, इसको घर में भी छोटे से गमले में आप लगा सकते हैं। जब ये आपका बहुत बड़ा पेड़ हो जाए तो आप किसी मंदिर या किसी ऐसी सार्वजनिक स्थान पर आप लगा सकते हैं जहाँ पर इसका सभी लोग पूजन अर्चन करें और इसका लाभ और अन्य लोग भी ले सकें, क्योंकि बेलपत्र का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है, फलदार वृक्ष होता है। तो जब तक ये गमले में आसानी से चल सके आप अपने घर में रखिएगा और उसके बाद आप कहीं पे इसको और स्थापित कर सकते हैं। इसका आप सुबह शाम दोनों समय पूजन करें, जलाभिषेक करें और शाम के समय इसमें भी आप शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और भगवान शिव गौरा मैया का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा। जब घर में बेलपत्र का पेड़ होगा, पौधा होगा, तो फिर आप भगवान शिव पर बेलपत्र समर्पित भी कर सकते हैं और जब आप शिव पर बेलपत्र समर्पित करेंगे तो फिर उसका लाभ आप स्वयं उठा पाएंगे, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो तो उनको बहुत ही प्रिय है। बेलपत्र का पेड़ आप घर के पीछे लगा सकते हैं। यदि आपके घर के पीछे खुली जगह है तो आप लगा सकते हैं या फिर आप मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको छत पर नहीं रखना चाहिए। छत पर रखने से इसका उल्टा प्रभाव हो जाता है, लक्ष्मी आएगी तो लेकिन टिकेगी नहीं। अब तीसरा पौधा है समी का। समी का वृक्ष भी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन ये गमले में काफी साल तक आप इसको लगा सकते हैं, चला सकते हैं। और सावन के महीने में बरसात का मौसम भी चल रहा है, ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसमें शनि देव का माना जाता है, यानी इसको शनिवार के दिन लाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, या फिर आप इसको सोमवार के दिन भी ला सकते हैं, लगा सकते हैं। इसकी भी नित्य निरंतर पूजन करने से आपके घर में लक्ष्मी, धन वैभव बढ़ेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी और जो भी
कष्ट हैं वो धीरे धीरे आपके खत्म हो जाएंगे। यदि शनि की 7:30 चल रही है या 2:30 चल रही है तो शनिवार के शनिवार आप इसका पूजन करेंगे। पूजन आप शाम के समय कीजिएगा और सरसों के तेल में थोड़ा सा तिल मिला करके बाती लगा करके आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो फिर आपकी जो 7:30 है या 2:30 है शनि की तो उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब भी आप शमी का वृक्ष अपने घर में लेके आए, पौधा अपने घर में लेके आए, तो फिर जब जिस मिट्टी में लगा रहे हों और आपके 7:30 या 2:30 चल रही हो या आप शनि की दशा से परेशान हैं तो इसमें आप काले कपड़े में एक सिक्का बांध दें, मतलब 1 रुपए का सिक्का बांध दें, थोड़े से तिल बांध दें और इसकी जड़ में दबा दें। इससे जो भी कष्ट होते हैं ना, ऐसा करने से वो कष्ट दूर हो जाते हैं और आप धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों पौधों को आप लाइए सावन के महीने में और अपने घर में लगाइए और इनकी खूब मन से सेवा कीजिए। आपको इनका प्रभाव कुछ ही समय बाद स्वयं ही नजर आने लगेगा। घर में आपको एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी और आपके घर में या जैसे बच्चे जिद्दी हैं तो वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब बढ़िया बढ़िया होने लगेगा और घर में पैसा भी टिकने लगेगा, आने लगेगा, नए नए आमदनी के साधन खुलेंगे। तीनों पौधे बहुत ही शुभ हैं और आप इनको अपने घर में ईशान कोण में अगर लगाएंगे तो इसका फल आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी इसका जो प्रभाव होगा वो आपको बहुत ही अतिशीघ्र समझ में आने लगेगा, क्योंकि तीनों ही देव वृक्ष हैं और देव वृक्ष के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है ईशान कोण, यानी कि पूर्वी उत्तरी कोना घर का। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि इन पौधों की पत्तियों को तोड़ा तो जाता है, भगवान को समर्पित भी किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिन पर इनको हम नहीं तोड़ते हैं, जिससे कि हमें अगर हम तोड़ते हैं तो हमें इसका दुष्प्रभाव भी मिलता है, यानी उसका पाप पड़ता है। मैंने आपके साथ और भी वीडियो शेयर किए हैं पेड़ पौधों से संबंधित, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उनको देख सकती हैं कि किस दिन हमें कौन से पेड़ पौधों की पत्तियों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अब जैसे आप शिवरात्रि के दिन है, प्रदोष के दिन है या सोमवार के दिन है तो हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन चढ़ाना तो होता ही है, तो इससे क्या है कि एक दिन आप पहले तोड़ करके रख सकते हैं। इनको हम बासा नहीं मानते हैं, ये पवित्र माने जाते हैं, बासे नहीं माने जाते हैं। जैसे तुलसी मैया हैं, एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती हैं, अमावस्या पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ी जाती हैं, या जैसे कोई बहुत बड़ा त्यौहार है तो भी हमें इन पौधों को वृक्षों में से पत्तियों को नहीं निकालना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। तो क्या है कि उससे एक या दो दिन पहले, जिस दिन मतलब ये तोड़े जा सकते हो, जैसे तुलसी मैया रविवार के दिन भी नहीं तोड़ी जाती हैं, तो आप एक या दो दिन इन्हें पहले से तोड़ करके और पॉलीथीन में बंद करके आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जिस दिन आपको चढ़ाना है उस दिन इनको चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।